कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में महानगर कांग्रेस कार्यालय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के पश्चात कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, AICC सदस्य जावेद साबरी, सेवादल जिला अध्यक्ष इमरान कुरैशी आदि ने राष्ट्रहित में कांग्रेस के गठन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का योगदान, देश के भविष्य के लिए रखी नींव में कांग्रेस जनों एवं पूर्व सरकारों द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। आज गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस है। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी को बधाई दूंगा स्थापना दिवस पर। और चूंकि देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका रही है, यदि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ना होती तो मेरा मानना है कि ये देश आज़ाद ना होता। क्योंकि इस देश में अगर शहादतें दी हैं तो कांग्रेस के लोगों ने इस देश की आज़ादी में शहादत दी है। जो लोग आज बैठे हुए हैं, जो लोग आज सत्ता पे काबिज हैं, वो उस वक्त भी माफ़ीनामा लिख रहे थे, उस वक्त भी अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, और आज भी वो इस देश को खोखला करना, इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं प्रतिज्ञा हम लोग सब कांग्रेसी लेते हैं कि इस देश की एकता अखंडता के लिए चाहे हमें अपने प्राणों के बलिदान देना पड़े, लेकिन इस देश की आज स्थापना 137वें स्थापना दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा लेंगे कि इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए प्रत्येक कांग्रेसी तन मन धन से खड़ा रहेगा और इस देश को बटने नहीं देगा। अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मंगलवार को समाजवादी महिला सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष महजबी खान ने रियाना को महिला सभा की सरसावा ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया और उनको नियुक्ति पत्र सौंपकर फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। महिला सभा ये सरसावा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष बनाई गया ना, उनको पार्टी के बारे में बताया, पार्टी के नीतियों के बारे में, और इन्हें वहाँ के पास मेहनत करनी है क्योंकि 2022 का चुनाव है, इसमें मेहनत करें जिससे हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने सन 2022 में। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन मंगलवार को हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें सभी पेंशनर्स ने अपनी विभिन्न समस्याओं में मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। मीटिंग के समापन पर पेंशनर्सों द्वारा एक मांग पत्र जिला प्रशासन को भी सौंपा गया। हमने केवल 4 बिंदुओं पर की बात रखी। सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन GST विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं व मांगों को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा एक 4 सूत्रीय ज्ञापन SDM के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा गया, जहां पर दीपक गर्ग ने बताया कि यह ज्ञापन भारत सरकार को भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि GST लगाते समय सरकार ने वादा किया था कि पर्याप्त कलेक्शन होने पर GST की दरें कम किए जाएंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद भी सरकार के पास उम्मीद से ज़्यादा GST कलेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसके बावजूद भी सरकार GST को बढ़ाने का काम कर रही है। हमने आज SDM महोदय के जरिए वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा है। जैसे पैकिंग के बॉक्स पर 12% से 18% GST, सराफे पे 3% से 5% GST, रेडीमेड पे 5% से 12% GST दरें बढ़ाने की जो गवर्नमेंट की वो चल रही है, उसके विषय में अपने हमने मांग पत्र